आज हम बनाएंगे चिकन पालक करी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनता है, तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पालक लिया है, हाफ के जी ये पालक है। हमने सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। इसके डंठल मोटे थे तो हमने इसके डंठल को हटा दिया है। और अब इन्हें कुकर में डालेंगे, ज़रा सा पानी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 से 2 सीटी लगा देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, 1 बड़ा साइज़ का लहसुन लेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का है। लहसुन का मात्रा इसमें बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और अदरक भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। साग में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब हम इसी के साथ इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची लेंगे, 1 छोटी इलायची लेंगे, 4 लौंग लिया हमने, 2 तेज़पत्ता लेंगे, तेज़पत्ता को हमने तोड़ लिया है, 2 लाल मिर्च लेंगे। और तड़के में भी हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है, तो 4 से 5 कली लहसुन का लेंगे और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लेंगे। चलते हैं कुकर की तरफ। लगभग साग पक गई होगी, तो इसके लिए हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि साग जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे, और जैसे ही ये ठंडा होगी तो हम इनका जो एक महीन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब चलते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन को हमने हल्दी, नमक और आधे नींबू के साथ मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वीडियो हमने शूट नहीं कर पाई है, पर आप इसे मैरिनेशन पे नहीं रखेंगे तभी भी ये टेस्टी लगेगा। लेकिन आप बहुत टेस्टी बनाना चाहते हैं तो मैरिनेशन पे ज़रूर रखें। और अब हम एक पतीले में देसी घी डालेंगे, तो 2 से 3 बड़े चम्मच हमने घी डाला है, और इन्हें मेल्ट होने देंगे। जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें तड़के डालेंगे और तड़के को कुछ देर तक भूनेंगे। जैसे ही वो भून जाएगा हम इसमें प्याज डालेंगे, और प्याज को सुनहरा गोल्डन होने तक भूनना है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लगभग भून चुकी है। और अब इसमें क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे, जो हमने तड़के में ली थी उसी अदरक को हमने डाला है। और लहसुन भी हमने लिया था 4 से 5 कली, उन दोनों को हमने क्रश कर लिया है। और अभी इन्हें डालेंगे और 1 मिनट तक इन्हें भूनेंगे, या इनके कच्चापन दूर होने तक भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और जैसे ही ये भून जाए हम इसमें टमाटर डालेंगे, तो हमने टमाटर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, और अब इसके साथ हम इन्हें भूनेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और 2 से 3 मिनट भूनेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें हम डालेंगे चिकन, तो एक एक करके चिकन को ना डाल देनी है। और अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और टमाटर में, और लगभग इन्हें 5 से 10 मिनट तक पकाना है। तो फ्लेम को एकदम लो में कर देंगे, 5 मिनट लो में पकाएंगे और 5 मिनट जो है हाई फ्लेम में पकाएंगे। इसे हमारा चिकन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे से भून गई है। तो इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसी के साथ हम मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर लिया हमने, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा कम किया हमने, और जीरा पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी है 1 चम्मच। और अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब चिकन मसाला। मसालों की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है। और अब इसमें डालेंगे नमक। नमक डालते समय ध्यान देंगे, क्योंकि हमने पालक को बॉईल करते समय भी नमक डाला था और प्याज को फ्राई करते समय भी नमक डाला था, तो इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल जो है कम करना है। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर लेंगे। कवर करते हुए हम इन्हें 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि लगभग जो है मसालों के साथ चिकन पक चुकी है, पर हम इन्हें थोड़ी देर और पकाएंगे, और बीच बीच में हम इन्हें कवर करते हुए पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं ना कि चिकन ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और इनके अंदर से जो है तेल छोड़ने लगा है।
मसाले और तेल अलग होने लगे हैं तो हमें इस स्टेज पे पालक का पेस्ट डालना है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अब ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। कवर करते हुए पकाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना पालक बहुत अच्छे से पक गए हैं और इनकी ग्रेवी जो है एकदम से सूख गई है। तो अगर आपको पानी डालना हो तो आप डालना, वरना आप इसी तरह से भी खा सकते हो, पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक और पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पालक चिकन बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। तो ये आप देख सकते हैं कि पालक चिकन जो है बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही चटपटा सा बना है, बहुत ही लाजवाब बना है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ता से इसे गार्निश करेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और धनिया पत्ता को सॉफ्ट होने तक पकाना है। और जैसे ही धनिया पत्ता सॉफ्ट हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो कम्प्लीटली बन गया है, बनकर के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।